गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स ओके ना टूडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर ट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोशन ठीक है इसमें दो पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में वन इज रेशियो अदर इज प्रपोशन ओके तो पहले हम रेशियो सीखेंगे ठीक है रेशियो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है हम अगर आपको याद हो तो हमने इक्वल फ्रैक्शन की एक्सरसाइजेस करी थी क्लास फिफ्थ में भी और इस साल फ्रैक्शंस में भी आपका एक पार्ट था इक्वलेंट फ्रैक्शंस का ठीक है रेशियो सम आउट इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है जिसको हम रेशियो कहते हैं जो आपके इक्वलन फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है द ओनली थिंग इज हाउ टू प्रेजेंट रेशियोज हाउ टू राइट इट और किस तरह से हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स या जो भी क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि रेशियो के क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक प्ले ग्राउंड है ठीक है उसकी लेंथ है 50 मीटर्स एंड ब्रेथ है 15 मीटर्स नाउ क्वेश्चन इज आपको रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ द ग्राउंड टू द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो निकालना है तो पहली बात हम रेशियो लिखते कैसे रेशियो में ऐसे लिखेंगे लेंथ लेंथ है 50 मीटर्स रेशियो का आधार डबल डॉट ठीक है बाय ये इसका रेशियो है बट इस रेशियो को हमको इसी तरीके से नहीं छोड़ना इसको हमें सिंपलीफाई करना है लोएस्ट फ्रैक्शन पे लेकर आना है तो इसका हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे दैट मींस दिस इज इक्वल टू 50 बाय 15 और इसको हमें लोएस्ट फ्रैक्शन पे कैसे लाते हैं हम दोनों को सेम नंबर से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक ये लोएस्ट लेवल पे नहीं आ जाता या जब तक डिवीजन खत्म नहीं हो जाता तो अगर आपको आ, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स इसमें आपको अप्लाई होंगे आपको ये पता करना होगा कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर किस एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है जैसे इस केस में हमको देख के पता चल रहा है कि ये फाइव से ऊपर और नीचे डिवाइड हो सकता है फाइव के टेबल में फिफ़्टीन भी आता है और फ़ाइव भी आता है फिफ्टी भी आता है सॉरी तो फ़ाइव के टेबल में करते हैं फाइव थ्री ज़ा फिफ़्टी एंड फ़ाइव टेन ज़ा 50. ये हो गया 10 और 3. अब 10 और 3 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते ना 2 से हो सकते ना 3 से हो सकते ना 5 से हो सकते तो इसका रेशियो हुआ 10 डबल डॉट 3. दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लेग्राउंड ग्राउंड इज टू 3. ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि आ, ये आपका 10 बाय तीन गुना है मतलब अगर जैसे जैसे लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी ब्रेथ भी आपकी बढ़ती जाएगी इस प्ले ग्राउंड की रेशियो के हिसाब से प्रपो रेशियो के हिसाब से यही रेशियो है इसका ठीक है अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें आपको बना क्वेश्चन ऐसा है कि दो फोटो फ्रेम्स हैं ये एक फोटो फ्रेम है और ये एक फोटो फ्रेम है इस फोटो फ्रेम की लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर और ब्रेथ है ट्वेल्व सेंटीमीटर इस फोटो फ्रेम की लेंथ है सिक्स सेंटीमीटर और थ्री सेंटीमीटर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि इन दोनों या ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के रेशियो से मिलते हैं या इन दोनों का रेशियो सेम है तो हम कैसे पता करेंगे आपको रेशियो निकालना है लेंथ टू ब्रेथ ठीक है पहले लेंथ बाद में ब्रेथ तो यहां पे इसका रेशियो क्या हुआ 24 डबल डॉट 12 और यहां पे रेशियो हुआ है 6 डबल डॉट थ्री इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में करना है हमको ट्वेंटी फोर बाय ट्वेल्व और इसको को लोएस्ट फ्रैक्शन पे लेकर आना है तो ऊपर नीचे आप नंबर देखो तो किस किस से डिवाइड हो सकते हैं देखो ऊपर नीचे टू से डिवाइड हो सकता है थ्री से हो सकता है सिक्स से हो सकता है ट्वेल्व से हो सकता है किसी से भी हो सकता है तो आपको जो लगे आप उससे कर सकते हैं मैं इसको टू से करता हूँ तो टू सिक्स ज ट्वेल्व और टू ट्वेल्व 24. ट्वेंटी फोर ट्वेल्व बाई सिक्स फर्दर सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं वापस टू से करते हैं टू थ्री 6, टू सिक्स जा ट्वेल्व इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं थ्री वन जा थ्री थ्री टू जिक्स अब इसको आगे नहीं कर सकते तो इसका रेशियो हुआ टू एस टू वन और यहां पे सिक्स इज टू थ्री था तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सिक्स इज टू थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री टू 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 वन अब आप देखो ये फ्रेम बड़ा था ये फ्रेम छोटा था लेकिन जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो इन दोनों फ्रेम्स का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो सेम है इसका मतलब ये हुआ कि सिक्स को मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, अगर सिक्स को मैं खींच के ट्वेंटी फोर कर दूं तो ये थ्री बढ़ के कितना हो जाएगा तो कैसे पता करेगा सिक्स को मैं फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ और थ्री को भी मैं फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर्स एंड थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व सेंटीमीटर्स तो लेंथ ट्वेंटी फोर और ब्रेड ट्वेल्व हो जाएगी लेंथ ट्वेंटी फोर और ब्रेथ ट्वेल्व हो जाएगी यही चीज हम इक्वल फ्रैक्शन में भी करते थे अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते थे सिक्स बाय थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाय ट्वेल्व ये सही है कि नहीं है तो हम कैसे करते थे थ्री में थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है एंड सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर होता है तो ये इक्वलन फ्रैक्शन हुए तो यहां पे इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका रेशियो भी टू इस टू वन आएगा दिस हैज फ्रैक्शन ऑफ टू बाय वन ठीक है वन ट्वेल्व जा ट्वेल्व टू ट्वेल्व जा ट्वेंटी फोर वन थ्री झा थ्री टू थ्री झा सिक्स तो ये सारे इक्वल फ्रैक्शन हुए एक तरीके से लेकिन इन फ्रैक्शन को जब हम बिल्कुल लोएस्ट फ्रैक्शन पे लेकर आते हैं तो वो उसका रेशियो बनता है ओके अब कुछ आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको कुछ चीजें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी उसके बाद रेशियो निकलेगा जैसे सपोज करो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि एक बॉक्स में सिक्स रेड बॉल्स थी 12 ब्लू बॉल्स थी 18 येलो बॉल्स थी एंड 30 ग्रीन बॉल्स थी अब आपको रेशियो निकालना है रेशियो ऑफ रेड रेड बॉल बॉल। बॉल बॉल। टू टू ब्लू ब्लू तो पहले लिखेंगे रेड बॉल रेड बॉल कितनी है सिक्स ब्लू बॉल कितनी है ट्वेल्व ये इसका रेशियो हो गया इसको हमें सिंप्लीफाई करना है सिक्स वन जरा सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व वन इज टू टू रेशियो आ गया इसका सेकेंड क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेड बॉल टू ग्रीन बॉल रेड बॉल टू ग्रीन बॉल रेड बॉल है सिक्स ग्रीन बॉल है थर्टी ठीक है तो अब हम करेंगे इसको सिक्स बाय थर्टी सिक्स वन जॉ सिक्स सिक्स फाइव जा थर्टी यहां पे रेशियो है कितनी है एटीन इज टू ग्रीन बॉल होगी गई थर्टी हम करेंगे एटीन बाय थर्टी कैसे करेंगे आप इसको थ्री से करेंगे थ्री सिक्स थ्री टेन थर्टी टू थ्री सिक्स टू फाइव थ्री इज टू फाइव का रेशियो हो गया थ्री इज टू फाइव का रेशियो हो गया अब यहां पे पूछा गया है रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स बॉल्स टू टोटल अब यहां पे हमें ब्लू बॉल तो पता है कितनी है ट्वेल्व लेकिन हमें टोटल बॉल्स नहीं पता तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा पहले हमें टोटल बॉल्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल बॉल्स पता चले तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा थर्टी प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स ठीक है थर्टी प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स तो टोटल बॉल्स आ जाएंगे आपकी सिक्सटी सिक्स बॉल्स टोटल अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स टू तो टोटल बॉल्स तो ब्लू बॉल्स कितनी है ट्वेल्व टोटल बॉल्स हमने निकाल ली सिक्सटी सिक्स तो अब हम करेंगे ट्वेल्व बाय सिक्सटी सिक्स सिक्स की टेबल से जाएगा सिक्स टू जोल्व सिक्स इलेवनजा या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है रेशियो ऑफ येलो बॉल्स टू द टोटल ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स एक जगह तो येलो बॉल्स एक जगह टोटल चाहिए रेड और ब्लू बॉल्स का तो येलो बॉल्स हमें पता है एटीन है टोटल ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स रेड और ब्लू बॉल्स का टोटल ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन है ये हुआ आपका एटीन बाई एटीन एटीन वन जाए एटीन एटीन वन जाए एटीन रेशियो हुआ वन इज टू वन ठीक है अब इसमें आपको कुछ चीजें पता थी जैसे आपको टोटल बॉल्स पता नहीं थी तो वो आपको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेंगी टोटल ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स पता नहीं थी तो वो आपको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेंगी और फिर आप रेशियो निकाल सकते हैं ओके okay? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अब इसमें कुछ डिजिट्स क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमको आ, रेशियो में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपका आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो ऑफ थर्टी मिनट्स टू थ्री आवर्स रेशियो ऑफ थर्टी मिनट्स टू थ्री आवर्स तो आप इसको सिंपली ऐसे नहीं करेंगे थर्टी बाय थ्री आपने किया थ्री वन जा 3, थ्री टेन जेन इज टू वन हो गया यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे ये मिनट्स है और यहां पे ये आर्स है आप मिनट्स को आर्स से रेशियो में नहीं निकाल सकते यहां पे ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए तो आप क्या करेंगे पहले इस थ्री आर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेशियो होगा थर्टी मिनट्स टू थ्री आर्स को अगर मिनट्स में करना हो तो क्या करते हैं मिनट्स में जब भी चेंज करते हैं तो इंटू सिक्सटी करते हैं तो थ्री इंटू सिक्सटी करेंगे दैट गिव्स यू वन एट्टी तो रेशियो निकाला जाएगा 30 मिनट्स टू थ्री नहीं 30 मिनट्स टू 180 मिनट्स तो ये होगा 30 बाय 180 ये होगा 30 मिनट्स बाय 180 एट्टी दैट मीन्स थर्टी बाय एट्टी जीरो जीरो कट थ्री वन जी थ्री सिक्स जटीन रेशियो वन इज टू सिक्स आया दिस विल बी द राइट आंसर सिमिलरली सपोज करो आपसे पूछा जाए रेशियो ऑफ फाइव हंड्रेड ग्राम्स टू फाइव के जीज तो ये ग्राम है ये के जीज है इसको हमें ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा फाइव हंड्रेड ग्राम्स रिमेन्स फाइव हंड्रेड ग्राम्स फाइव के जी को ग्राम्स में करते हैं इन टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड ग्राम्स दोनों ग्राम्स हो गए अब इसको कर सकते हैं दैट मीन्स इसका रेशियो हुआ फाइव हंड्रेड बाय फाइव थाउजेंड दैट मीन्स फाइव हंड्रेड बाय फाइव थाउजेंड दो से जीरो दो जीरो कट फाइव वन ज फाइव 5 10 का रेशियो हुआ 1:10 आया समझ में नाउ इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है व्हिच इज एक्सरसाइज 12.1 ठीक है एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है 12.1 इसके अंदर टोटल मिला के आपके 16 क्वेश्चंस हैं तो आपको इसमें क्या करना है यू हैव टू डू फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ठीक है क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा जो अभी तक मैंने आपको समझाया है सिंपल रेशियोज कैलकुलेट करना वो आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टेन तक करने हैं मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कैसे करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन है देर आर ट्वेंटी गर्ल्स एंड फिफ्टीन बॉयज़ इन द क्लास वॉट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो निकालना है निकाल सकते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन है वॉट इज द रेशियो ऑफर ऑफ गर्ल्स नंबर क्लास अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से निकालने होंगे ठीक है अब यहाँ पे आउट ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स इन द क्लास सिक्स लाइक फुटबॉल ट्वेल्व लाइक क्रिकेट एंड रिमेन लाइक टेनिस टेनिस का उन्होंने बताया नहीं कि कितने बच्चे टेनिस लाइक करते हैं बट ये है कि आपको सिक्स पता है फुटबॉल लाइक करते हैं ट्वेल्थ क्रिकेट लाइक करते हैं और टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं तो पहले हम टेनिस कितने बच्चे लाइक करते हैं पहले वो निकालेंगे हम क्या करेंगे टोटल में से फुटबॉल जो बच्चे लाइक करते हैं और क्रिकेट जो लाइक करते हैं उसको माइनस करेंगे तो आपके टेनिस पता चल जाएगा कितने बच्चे टेनिस लाइक करते हैं लाइक थर्टी माइनस ट्वेल्व एंड सिक्स को माइनस करेंगे तो टोटल आपका ट्वेल्व आ जाता है मतलब ट्वेल्व बच्चे टेनिस लाइक करते हैं तो ये सब पता चल गया हमको अब हम रेशियो निकालेंगे अब पहला रेशियो पूछा है स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू स्टूडेंट्स लाइक टेनिस तो फुटबॉल कितने बच्चे लाइक करते हैं सिक्स टेनिस हमने निकाल लिया था कैलकुलेट करके ट्वेल्व तो सिक्स इज टू ट्वेल्थ सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स और ट्वेल्थ को तो आंसर आएगा वन बाई टू तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आपको नहीं पता है वो आपको यहाँ पे पता करके फिर उसका रेशियो निकालना होगा ठीक है अब जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया रेशियो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वो हमें पता है कितने हैं वन टू थ्री ट्राइंगल्स है नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं वन टू है ये पता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स वन है टू है ये पता है आट ऑल फिगर्स इन साइड द रेक्टेंगल ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो टोटल फिगर्स हैं वो सेवन हैं अब यहाँ पे है नंबर ऑफ सर्किल्स टू टोटल फिगर्स इन द रेक्टेंगल तो नंबर ऑफ सर्किल्स हमें पता है कितने दो टोटल फिगर हमें पता है कितने हैं सेवन तो हम ये ईजिली रेशियोज निकाल सकते हैं ठीक है जो भी पूछा जाए पहले ये देख लो कि जो भी इन्होंने पूछा है वो डिजिट्स हमारे पास हैं क्या अगर नहीं है तो पहले उनको कैलकुलेट करके निकाल लो और फिर आप इजिली रेशियो निकाल सकते हैं ठीक है क्वेश्चन फॉर इज वेरी इजी डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर इज नाइन एंड ट्वेल्व किलोमीटर पहले हमीद बाद में अख्तर तो पहले नाइन बाद में ट्वेल्व रेशियो निकालो सिंप्लीफाइड करके फ्रैक्शन में निकालो एंड इट इज थ्रू ये एक्सरसाइज आपको देखी देखी लग रही होगी इक्वल फ्रैक्शंस में ऐसी एक्सरसाइज आती थी फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स आपको ब्लैंक्स निकालने हैं इक्वलेंट फ्रैक्शंस को ध्यान में रखते हुए और आपको बाद में ये बताना है कि इन सब का रेशियो इक्वल है कि नहीं है जब आप इन सारे फ्रैक्शंस को निकाल लोगे सारे फ्रैक्शन को जब भी सिंपलीफाई फ्रैक्शन में करोगे बिल्कुल मिनिमम फ्रैक्शन पे लेके आओगे तो वो सारे सेम होंगे ठीक है इससे आपको पता चल जाएगा कि वो इक्वल फ्रैक्शन है कि नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अ वेरी डायरेक्ट फाइंड द द रेशियो ऑफ फॉलोइंग 81 108. Simple, 81 टू सिंपल बाय करना है दोनों को डिवाइड करते जाना है जो भी सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन निकलेगा वो इसका रेशियो होगा ये वाला आपका ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे जिसमें आपको कन्वर्जन करने होंगे यहाँ पे मिनट है यहाँ पे आर है इस आर को मिनट में कन्वर्ट करना है और फिर रेशियो निकालना है सेंटीमीटर मीटर है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है और फिर रेशो निकालना है पैसा है रुपीज़ है रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे एंड रेशो निकाल लेंगे मिली लीटर ली है लीटर है लीटर को मिली लीटर ली में चेंज करेंगे और रेशो निकाल लेंगे ओके अब क्वेश्चन नंबर एट स्टेट्स दैट इन अयर सीमा अर्नस वन पॉइंट वन फिफ्टी थाउजेंड एंड सेव करती है फिफ्टी थाउजेंड द रेशियो ऑफ

हमें पता है वो कितना सेव करती है तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे ओके क्वेश्चन नंबर नाइन है देर आर हंड्रेड एंड टू टीचर्स इन अ स्कूल एंड थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन जीरो टू डबल डॉट थ्री थ्री डबल जीरो डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे सीधे आपका रेशियो निकल जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर भी आपका ऐसा ही है इसमें आपको कुछ चीजें दी हुई हैं एक चीज निकालनी पड़ेगी और रेशियो निकल जाएगा इन अ कॉलेज आउट ऑफ फोर थ्री टू जीरो स्टूडेंट्स टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड आर गर्ल्स फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं गर्ल्स इतनी हैं तो हमें रेशियो निकालना है पहला तो गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गर्ल्स पता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता है रेशियो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स अब हमें बॉयज़ नहीं पता तो हम बॉयज़ कैसे निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बॉयज़ पता चल जाएंगे अब बॉयज़ पता चल गए तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा बॉयज़ पता चल गया गर्ल्स का हमको नंबर पता है दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर सी नेक्स्ट पेज पे जो सी है वो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने यहाँ पे निकाल लिया था

नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा उसमें थोड़ा सा ट्रिक है वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो ट्रिक क्या है उसको कैसे क्रैक करना है और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाना चाहिए ये सिंपल आपके रेशियो के क्वेश्चंस हैं तो ये आप करके आप मुझे सबमिट कराइए एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू दी नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन विच आर लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज ओके क्लास टूडेज असाइनमेंट एक्सरसाइज ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर वन टिल क्वेश्चन नंबर टेन ओके थैंक यू